Hello and welcome to IAS Setu. My name is Sushant Yadav and today we are going to learn about lecture number 2 of GDP and related concept. So what are the topics that we have covered in lecture number 1? We have talked about GDP, what is gross domestic product, GNP, and then we have do the comparison between GDP and GNP. And we have also learned about GDP in technicality, and we have also talked about real GDP and nominal GDP, GDP at market price, GDP at factor cost, what is GDP deflator, and in last we have talked about what is V-shaped GDP recovery. In this lecture, we are going to cover what are the factors of production, what is the circular flow of income, method of production, methods of GDP calculation, method of GDP calculation, national income, growth versus development concept, and GDP as a concept of development. So what is GDP? The total final value of goods and services that has been produced in the domestic territory of an economy in a given accounting year or financial year is called gross domestic product. तो भारत की सीमा के भीतर जितना भी goods and services का production किया जाएगा किसी भी एक वर्ष में उसे भारत का GDP कहा जाएगा. तो previous lecture में हमने पूरी तरह से इसको समझा था. कैलकुलेट कौन करता है? NSO अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन. एंड देन वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट कि हाउ दिस इज वी शेप्ड जीडीपी रिकवरी. सो 2016-17 से ही स्लो डाउन स्टार्ट हो गया था, स्लो डाउन है, लेकिन जैसे ही कोरोना आया तो इकॉनमी हमारी रिसेशन में चली गई. -7.7% की ग्रोथ रेट थी हमारी 2020-21 में, और उसके बाद ये प्रिडिक्ट किया गया है कि 2021-22 में हमारी ग्रोथ रेट 11% होगी. तो 11% से जीडीपी ग्रो करेगी. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दिस रिकवरी एज जीडीपी, वी शेप्ड जीडीपी रिकवरी. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? ये होते क्या हैं? जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उन फैक्टर्स को बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. तो ये चार हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इनको इस काम के बदले कुछ पेमेंट मिलती है जिसे हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट. तो लेबर को मिलता है वेजेस, लैंड को मिलता है रेंट, कैपिटल के पास है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर होता है उसको मिलता है प्रॉफिट. तो दीज आर द फैक्टर्स पेमेंट एंड दीज आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. बेसिक्स, एकदम बेसिक्स पढ़ते हैं. नाउ दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो जीडीपी या इकॉनमी में जब हम इकॉनमी को समझते हैं तो किसी एक मॉडल से समझते हैं सिंप्लीफाइड मैनर में. तो इसे हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल. तो ये वेरी सिंप्लीफाइड मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल है जिसमें मैंने अज्यूम किया है कि इस इकॉनमी में, इंडिया की इकॉनमी में केवल दो चीज हैं, एक है हाउस होल्ड्स और दूसरे हैं फर्म्स. समझिएगा, केवल दो लोग हैं, फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स. एंड मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज ये फर्म्स प्रोड्यूस करती है या हाउस होल्ड्स जितने भी हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं, और जितने भी हाउस होल्ड्स हैं ये अपना जो वर्क करते हैं वो यहाँ पर करते हैं इन्हीं फर्म्स में. ठीक है, तो सिंप्लीफाइड एक इकोनॉमिक मॉडल लिया है जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल कहते हैं, और उसमें मैंने फर्म्स को लिया है और हाउस होल्ड्स को लिया है. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हाउस होल्ड्स हैं ये अपनी जो सर्विस यहाँ पर देने जाते हैं इन्हें हम बोलते हैं फैक्टर्स सर्विस. फैक्टर सर्विस क्यों? क्योंकि ये वहाँ पर सर्विस दे रहे हैं, और ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इसलिए क्या है, फैक्टर सर्विसेज है. और इन फैक्टर सर्विसेज के बदले इनको क्या मिलता है? फैक्टर पेमेंट. तो मैंने बताया था आपको कि लेबर को क्या मिलेगा? वेज मिलेगा, लैंड को कैपिटल रेंट मिलेगा, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा. दीज आर कॉल्ड फैक्टर पेमेंट. तो आपने फैक्टर सर्विस दी फर्म्स को, और फर्म्स ने आपको क्या दिया? फैक्टर पेमेंट्स दिया. और ये फर्म्स कर क्या रही हैं? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रही हैं, उत्पादन कर रही हैं. तो उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, लेकिन ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय दीज फर्म्स आर कंज्यूम बाय दीज हाउसहोल्ड्स. तो ये जब कंज्यूम करेंगे तो इन फर्म्स को पैसा देंगे, तो ये क्या करेंगे? स्पेंडिंग करेंगे. भाई आपने पैसे देंगे तभी तो आप गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करोगे फर्म्स की, फर्म्स फ्री में तो देंगे नहीं. और जो ये फैक्टर पेमेंट्स जो इनको किया गया फर्म्स के द्वारा, वही पूरा स्पेंडिंग इनके पास होकर फर्म्स के पास मिल जाता है. तो ये पूरा इकोनॉमिक मॉडल है. अगर ये दो चीज़ें मैंने अज्यूम की हैं कि जितना भी फर्म्स प्रोड्यूस कर रही हैं वो हाउस होल्ड्स कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, अगर इन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू देखें, अगर उसको बी मान लें, तो जितना भी ये गुड्स की प्रोड्यूस कर रहे हैं इनको बेच रहे हैं, तो हाउस होल्ड्स कंज्यूम कर रहे हैं, हाउस होल्ड्स इन गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा कर रहे हैं, स्पेंडिंग. यानी जो ये ए होगा ये बी के बराबर होगा.
और ये बी जो है या ए बी जो है ये किसके बराबर होगा, फैक्टर पेमेंट्स के बराबर होगा। क्यों पेमेंट्स के बराबर होगा, क्योंकि आप खर्चा कितना करोगे, जितनी आपकी इनकम होगी, और इनकम कितनी है, जितना आपको फैक्टर पेमेंट मिलेगा। और फैक्टर पेमेंट आपको मिल क्यों रहा है, क्योंकि आपने क्या दी है, फैक्टर सर्विसेज दी है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ये सी के बराबर होगा। जीडीपी होता क्या है, किसी भी एक वर्ष में भारत की बाउंड्री के भीतर जितना भी टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका प्रोडक्शन करना, उसको बोलते हैं जीडीपी। तो जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का, मैं मान लेता हूं कि इंडियन इकॉनमी, इंडिया की इकॉनमी में इतनी फर्म्स हैं और यही हाउस होल्ड्स हैं, तो जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया गया, यानी ये गुड्स एंड सर्विसेज, यानी ये जो बी है, ये बी है क्या, एक्चुअली बी क्या है, जीडीपी ऑफ इंडिया। किस मेथड से, प्रोडक्शन मेथड से। तो तीन मेथड है जीडीपी कैलकुलेट करने के, एक प्रोडक्शन मेथड, एक एक्सपेंडिचर मेथड और एक इनकम मेथड। तीनों बराबर क्यों है, समझिए इस चीज़ को। जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, ये प्रोडक्शन मेथड से जीडीपी हो गया, लेकिन इन गुड्स एंड सर्विसेज पे सभी हाउस होल्ड ने मिलकर खर्चा कर दिया, स्पेंडिंग कर दी, पूरा कंज्यूम कर लिया, तो जितनी स्पेंडिंग होगी वो गुड्स एंड सर्विसेज के बराबर होगी। तो अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड से निकालें जीडीपी, तो ये स्पेंडिंग के बराबर होगी, यानी किसके बराबर होगी, ए के बराबर होगी। तो ए भी एक्चुअली है क्या, जीडीपी। लेकिन स्पेंडिंग आप कितना करोगे, जितना आपका इनकम होगा, और इनकम कितनी आपकी, जितनी आपको फैक्टर्स पेमेंट हो रही है, तो यानी ये सी। तो ये सी भी एक्चुअली है क्या, जीडीपी। और ये ए बी सी तीनों बराबर हैं, इसलिए ये है क्या, ए बी सी तीनों बराबर हैं, और किसके बराबर हैं, जीडीपी के बराबर हैं। तो मैंने यहाँ पर एक सिंप्लीफाइड, एक मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल लिया, जिससे मैंने आपको ये समझाया कि तीन मेथड्स हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के, प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। और भी डिटेल में पढ़ेंगे अभी, पर मोटा मोटा ये समझिए तीनों बराबर क्यों हैं। क्यों, क्योंकि मैंने ये मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल में ये अज्यूम किया है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, सारा का सारा हाउस होल्ड्स कंज्यूम कर रहे हैं, और जो प्रोड्यूस हो रही है किसी भी एक वर्ष में वो जीडीपी है, और कितना है जो प्रोड्यूस हुआ है उतना ही कंज्यूम किया गया है, स्पेंडिंग मेथड से उतनी जीडीपी होगी। और ये स्पेंडिंग आ कहाँ से रही है, क्योंकि इनको फैक्टर पेमेंट मिल रहा है, किस बात के लिए, फैक्टर सर्विसेज के लिए, इसलिए फैक्टर पेमेंट भी उतना ही है जितना उनकी स्पेंडिंग है। अरे भाई, मैंने चाय वाले के पास गया, मैंने 5 रुपए की चाय ली, तो 5 रुपए मैंने खर्च किए, तो ये मेरा एक्सपेंडिचर है, लेकिन एट द सेम टाइम वो 5 रुपए वो उस व्यक्ति के लिए इनकम होगा जो चाय बेच रहा है मुझे। सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में पढ़ रहे हैं हम, लेकिन आप कहेंगे सर ये बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड है ना, तो थोड़ा सा इसको अगर आप कॉम्प्लिकेट करें, और मैं यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक को भी इंक्लूड कर लूँ, क्योंकि इकॉनमी में बैंक भी होते हैं और गवर्नमेंट भी तो होती है इकॉनमी में, तो मैंने ये दोनों चीज़ें इंक्लूड कर ली। अब आप समझिए, यहाँ पर आपके पास 4 चीज़ें हैं इकॉनमी में, फर्म्स, हाउस होल्ड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट। अब इस इनकम के फ्लो को समझिए, सर्कुलर फ्लो को समझिए। फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस किया, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया यहाँ पर, ठीक है। इस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे लोगों ने खर्चा किया, इसको बोलेंगे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो गुड्स एंड सर्विसेज यहां पर आएंगी और ये खर्चा करेंगे, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फर्म्स के पास पहुंचेगी, ठीक है इतना। और ये मैं क्लोज्ड इकॉनमी मान रहा हूं, यानी मैं एक्सटर्नल सेक्टर को अभी नहीं देख रहा हूं, यानी भारत का जो आयात निर्यात है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, इट्स अ क्लोज्ड इकॉनमी। नाउ इन हाउस होल्ड्स ने अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे दिया था, यानी फैक्टर सर्विसेज दी थी, और उसके बदले उनको क्या मिला था, फैक्टर पेमेंट मिला था। ये चीज़ तो आप समझ चुके हैं पिछली फ्लो से, बिल्कुल। नाउ ये बैंक का क्या रोल है, जो फर्म्स की सेविंग होगी, जिसे हम बोलते हैं कॉरपोरेट सेविंग्स, तो ये सेविंग्स कहाँ पर रखेगा, ये फर्म्स बैंक्स पर रखेंगे, और बैंक से ही ये लोग क्या ले सकते हैं, लोन्स ले सकते हैं। तो लोन्स और बॉरविंग्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज कहाँ से लेंगे फर्म्स, बैंक से ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को फर्म्स क्या करेंगी, टैक्सेस पे करेंगी, और गवर्नमेंट फर्म्स को क्या देगी, गवर्नमेंट परचेज करेगी तो उसका पैसा देगी, या सब्सिडीज गवर्नमेंट जो देती है वो यहाँ पर गवर्नमेंट फर्म्स को देगी, ठीक है। अगर ये देखा जाए कि हाउस होल्ड्स और गवर्नमेंट का क्या रिलेशन है, तो हाउस होल्ड्स के पास जो इनकम आती है उसका वो टैक्सेस पे करते हैं गवर्नमेंट को, और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट भी जो वहाँ पर लोग काम करते हैं गवर्नमेंट में, उनको पेमेंट देती है, जिसे पेमेंट ऑफ सर्विसेज कहते हैं, और सब्सिडीज भी तो देती है भाई, एलपीजी सब्सिडी है ना, फूड्स ग्रेन पे जो सब्सिडी देती है, तो ये सारी सब्सिडी हाउस होल्ड्स को मिलती है। बैंक्स और हाउस होल्ड्स की बात करें, तो जितनी भी हाउस होल्ड्स की सेविंग्स होती हैं वो हम बैंक्स में रखते हैं,
और बैंक से क्या लेते हैं हम, लोन या बॉरविंग्स हम लेते हैं फॉर कंजम्पशन पर्पज और समथिंग एल्स। तो ये चीज़ है, इतना समझ में आया, ठीक है। गवर्नमेंट का क्या नाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से? देखिए गवर्नमेंट जो है, जो सेविंग गवर्नमेंट की सेविंग होती है वो गवर्नमेंट अपनी सेविंग बैंक्स में रखता है, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करता है गवर्नमेंट, उसका रोटेशन कौन करता है, उनको लेता कौन है, बैंक्स लेता है, या कोई और भी ले सकता है, लेकिन हाउस होल्ड्स भी ले सकते हैं, लेकिन बैंक्स भी ले सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ होंगी वो होंगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझ में आया आपको? एक बार देख लीजिए ढंग से। फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की, उसका कंजम्पशन किसने किया? हाउस होल्ड्स ने किया, तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उनके पास गया। फैक्टर सर्विसेज दी हाउस होल्ड्स ने फर्म्स को, उसके बदले में उनको मिला फैक्टर पेमेंट। अगर ऐसी गवर्नमेंट का देखें तो गवर्नमेंट को टैक्सेस देती है फर्म्स, और गवर्नमेंट क्या देती है, उनसे सर्विसेज लेती है, उनको सब्सिडीज देती है एक्सेट्रा। गवर्नमेंट और हाउस होल्ड्स की बात करें तो हाउस होल्ड्स गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स को फैक्टर्स ऑफ पेमेंट्स देती है, सब्सिडीज देती है एक्सेट्रा, वो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है। बैंक्स की बात करें तो दोनों अपनी सेविंग्स रखते हैं, फर्म्स भी और हाउस होल्ड्स भी, और दोनों ही लोग अपने लोन्स जो लेते हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं। गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो एक दूसरे से जी से आदान प्रदान होता है, और गवर्नमेंट भी अपनी सेविंग बैंकों में रखती है। ये इनकम का जो फ्लो ऑफ चार्ट है, ये समझ में आया आपको? अगर हम ये क्लोज इकोनॉमी की जगह ओपन इकोनॉमी की बात करें तो एक सेक्टर ऐड हो जाएगा बस, जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्टर। तो जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका हमारे पास पेमेंट आएगा, तो रिसीट फ्रॉम एक्सपोर्ट आएगा फर्म्स के पास, और फर्म्स जो इंपोर्ट करती हैं चीज़ें उसका फर्म्स को पेमेंट करना पड़ेगा बाहर एक्सटर्नल सेक्टर में। तो पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स एंड रिसीट फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। और हाउस होल्ड्स के साथ क्या होगा, जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगी वो कहाँ पर होगी, हाउस होल्ड्स के पास आएगी। तो यहाँ पर जो लोग विदेशी रह रहे हैं वो अपने देश में कितना पैसा वो कर रहे हैं, और बाहर जो हमारे लोग रहे हैं वो अपने देश में कितना पैसा ला रहे हैं, तो उसका जो नेट फैक्टर इनकम आएगा वो हमारे हाउस होल्ड्स को मिलेगा, ठीक है। तो बस जो पिछला वाला क्लोज इकॉनमी था उसमें इकॉनमी ओपन इकॉनमी में केवल हमको एक्सटर्नल सेक्टर ऐड करना, ठीक है, इतना चीज़ समझ में आया। तो GDP कैलकुलेट करने के तीन मेथड हैं, एक एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड। ये तीनों बराबर क्यों हैं, मैंने आपको सिंप्लीफाइड मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल में भी समझाया, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ हम कॉम्प्लिकेटेड इकॉनमी, इंडिया जैसी कॉम्प्लिकेटेड इकॉनमी, US जैसी कॉम्प्लिकेटेड इकॉनमी भी में भी कैलकुलेट करें तो भी तीनों मेथड से, अगर GDP कैलकुलेट करें तो तीनों मेथड से ही सेम आता है। प्रोडक्शन मेथड से करें या एक्सपेंडिचर मेथड से करें या कंजम्पशन मेथड से करें, तो आइए वन बाई वन इन मेथड्स को समझते हैं। पहला मेथड तो मैंने आपको समझाया था कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, तो व्हाट इज GDP इन वन ईयर, द टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ नेशन इन वन ईयर इज कॉल्ड GDP ऑफ दैट नेशन। तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, यानी किसान जो है वो अनियन का जितना प्रोडक्शन कर रहा है और जितनी भी चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहा है, यानी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है, और अगर नाई बाल काट रहा है आपके, वो आपको क्या दे रहा है, सर्विसेज। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उनकी फाइनल वैल्यू जो होगी वो GDP कहलाएगी। तो अब देखते हैं वन बाय वन की गुड्स एंड सर्विसेज का कैसे। तो मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि इकॉनमी में फार्मर है जिसने 100 रुपीज की वीट प्रोड्यूस किया, ठीक है, इसने किसी भी रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं किया, इसके पास पहले से अनाज था उसी को उसने बो दिया, कोई भी फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बाहर से खरीद के नहीं लाया, जो भी इसके पास था गोबर ओबर उसने ये यूज़ कर दिया, जिसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ करते हैं, वो सब यूज़ करके इसने 100 रुपीज़ का जो है वीट का प्रोडक्शन किया। सामने है बेकर जिसको ब्रेड बनानी है, आई थिंक है ना, उसको ब्रेड बनानी है, इसके लिए इसको रॉ मटेरियल चाहिए, वो है वीट। इसने क्या किया, इस फार्मर से 50 रुपए का वीट खरीद लिया, और इसने जो ब्रेड बनाई उसकी कीमत इसने रखी 200 रुपए, 200 रुपीज। वेरी सिंप्लीफाइड मैनर में समझ रहे हैं हम कि एक फार्मर है जिसने 100 रुपीज का वीट प्रोडक्शन किया है, इसके जो रॉ मटेरियल यूज हुए हैं वो 0 है, लेकिन जो ये बेकर है जो ब्रेड प्रोड्यूस कर रहा है 200 रुपए की, इसका जो इसने रॉ मटेरियल यूज़ किया है वो वीट यूज़ किया है, उसका जो वीट का जितना उसने यूज़ किया है वो 50 रुपए का है, और उसने 200 रुपए का आउटपुट यानी ब्रेड का प्रोडक्शन किया है। अगर हम GDP कैलकुलेट करें अब,
तो आप कहेंगे सर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ नेशन इन वन ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। तो भाई 100 रुपए का फार्मर ने वीट पैदा किया और 200 रुपए का ब्रेड पैदा हुआ, इसके हिसाब से हमारी 300 रुपए की जीडीपी है। लेकिन क्या ये मैंने सही कैलकुलेट किया? नहीं, मैंने गलत कैलकुलेट किया। एक्चुअली इस 100 रुपए में मैंने 50 रुपए इंक्लूड किया है जो कि फार्मर ने बेकर को दे दिए हैं, बेकर को वर्थ 550 रुपीज का वीट दे दिया है। और इस 200 रुपए में भी मैंने 50 को इंक्लूड किया है, यानी 50 को मैंने 50 रुपीज को मैंने दो बार इंक्लूड किया है, 50 रुपए को मैंने दो बार इंक्लूड किया, इसलिए मैंने डुप्लीकेशन किया है, यानी ये काउंटिंग में एरर की है भाई। तो जीडीपी इतनी नहीं होनी चाहिए। जीडीपी एक्चुअली होनी क्या चाहिए? जीडीपी होनी चाहिए कि फार्मर ने 100 रुपीज का प्रोड्यूस किया प्लस इस बेकर ने नेट कितने रुपए का प्रोड्यूस किया, इसने कितने रुपए की वैल्यू ऐड की। तो 50 रुपए का तो इसने इसी से लिया था, वैल्यू ऐड कितनी की इसने, तो 200 रुपए में 50 हटाएंगे तो 150 रुपए की ही तो वैल्यू ऐड की, तो 150 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ, तब जो जीडीपी आएगी 250 रुपए, ये जीडीपी एक्चुअल में जीडीपी है। उसमें हम काउंटिंग में एरर कर देते, तो 300 रुपए की जीडीपी हम थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोल देते क्योंकि हमने डबल काउंट कर लिया है, लेकिन यहां पर हमने एक ही बार काउंट किया। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मुझे जीडीपी कैलकुलेट करनी है पूरी इंडिया की, तो एक काम मैं करूं सबका वैल्यू एडिशन काउंट कर लूं कि सबने कितना वैल्यू एडिशन किया। वैल्यू एडिशन का क्या मतलब हुआ भाई, कि आपका जो आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया है, जो भी आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया उसमें आपने कितने इंटरमीडिएट गुड्स यूज किए हैं उसको माइनस कर दीजिए। अगर वो माइनस आप कर देंगे तो आपको नेट वैल्यू आपने कितनी ऐड की है वो आपको पता चल जाएगी। तो अगर मैं इसके केस में देखूं, फार्मर के केस में, तो उसने 100 रुपए का आउटपुट प्रोड्यूस किया लेकिन इंटरमीडिएट गुड यूज क्या किए हैं, 0 रुपए का, तो रॉ मटेरियल 0 रुपए का यूज किया, तो इसने कितने की वैल्यू ऐड की, 100 रुपीज की। लेकिन अगर बेकर की बात करें तो उसने कितने रुपए की वैल्यू ऐड की, 200 रुपए का आउटपुट माइनस 50, तो कितने का वैल्यू ऐड किया, 150 रुपीज का। तो अगर सबकी वैल्यू एडेड हम जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा, जीडीपी मिल जाएगा। तो अगर इसको इस तरह से हम देखें कि जीडीपी मान लेते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 न जाने कितनी फर्म्स हैं, तो मान लेते हैं आई इज इक्वल टू 1 से एन तक फर्म्स हैं, ठीक है। तो अगर जीडीपी निकालनी है तो सब फर्म्स का मैं वैल्यू एडिशन ऐड कर लेता हूं, तो सब फर्म्स का ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल लेता हूं, तो कितने का वैल्यू एडिशन किया है, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन, और समेशन लगा के आई इज इक्वल टू 1 से, यानी पहली फर्म से आई इज इक्वल टू एन तक मैं सभी फर्म्स का ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकाल लूं, जीवीए। और इस हिसाब से अगर ये जो निकलेगा वो क्या होगा, भारत की जीडीपी बाई प्रोडक्शन मेथड। समझ आया इस बात को? तो प्रोडक्शन मेथड से हमने क्या निकाला, कैसे निकाला ये समझे आप, कि जीवीए से हमने कैसे निकाला। समझ आ गई बात आपको? कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो बताइए, इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है। तो अगर मैं तीन सेक्टर का, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, तो अगर ये देखिए ब्लू से जो है ये प्राइमरी सेक्टर है, ये टर्शरी सेकेंडरी सेक्टर है और ये टर्शरी सेक्टर है, ठीक है, और ये ओवरऑल है। तो अगर मैं जीवीए देखूं कि शेयर ऑफ जीवीए किस सेक्टर का कितना शेयर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ग्रॉस वैल्यू एडेड में, तो अगर 2019-20 की बात करूं, ये 2019-20 है, तो ये समथिंग 15 पॉइंट समथिंग है, ये समथिंग 29 है और ये 55 समथिंग है, ठीक है। तो अगर आप इसको एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि शेयर ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड में प्राइमरी शेयर जो है वो बहुत कम है, प्राइमरी सेक्टर का शेयर बहुत कम है, ओनली 15%, सेकेंडरी सेक्टर का परसेंटेज है 29% और सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, दैट इज 55%। तो जीवीए में सबसे ज्यादा शेयर जो है सर्विस सेक्टर का है, टर्शरी सेक्टर का है, और उसके बाद सबसे कम शेयर जो है वो प्राइमरी सेक्टर का है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि प्राइमरी सेक्टर जो है सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट करता है, यानी अगर देखें तो 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर, लेकिन वहां से ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना आ रहा है, ओनली 15% ऑफ द जीडीपी, यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इंडिया में, और सर्विस सेक्टर 55% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में। दैट्स अ बस आपको एक एनालिटिकल व्यू देने के लिए इसको आप देख सकते हैं।
दूसरा बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से। तो भाई जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उस मेथड से देख रहे हैं। लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज कौन सी जो हमारी विद इन द बाउंड्री, क्योंकि जीडीपी क्या है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है क्या, द टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ नेशन इज नोन एज जीडीपी। तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, तो भारत की बाउंड्री के भीतर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उस पर कितना खर्चा किया गया है। ये वर्ड को याद रखिएगा कि भारत की बाउंड्री के भीतर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं हम उस पर कितना खर्चा किया जा रहा है, उतना ही खर्चा कैलकुलेट करेंगे तभी जीडीपी जो आएगी एक्सपेंडिचर मेथड से वो जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं प्रोडक्शन मेथड से तब बराबर आएगी, है ना। तो बाहर से अगर हमने इंपोर्ट करके कुछ लाया है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर हम निकाले एक्सपेंडिचर मेथड से वो होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। ये होता क्या आप समझते हैं, तो तीन प्लेयर हैं। एक है ये कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड जो हैं वो कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं हाउस होल्ड। इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स, तो जितनी भी फर्म्स हैं वो कितना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स, तो फर्म्स ने कितना इन्वेस्टमेंट किया। तीसरा ये जी है, गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और ये एनएक्स है, नेट ऑफ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। समझेंगे ये है क्या, इंपोर्ट को मैं एम मान लेता हूं, एक्सपोर्ट को ई मान लेता हूं। तो सी क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड ने खाने पीने में कितना कंज्यूम करने में कितना खर्चा किया। इन फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का किया उसमें कितना खर्चा किया, गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया और नेट ऑफ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो अब एक्सपेंडिचर मेथड से समझते हैं और इसको बहुत ही आराम से समझिएगा, बहुत इजी वे में इसको हम बाद में समझेंगे, पहले एक एग्जांपल लेते हैं, हाउस होल्ड से समझते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड से मान लेते हैं हाउस होल्ड जितना भी कंज्यूम करता है, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है वो है 100 रुपीज। तो जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज कंजप्शन करता है वो है 100 रुपीज। लेकिन ये गुड्स एंड सर्विसेज जितना वो कंज्यूम कर रहा है वो इंडिया में भी प्रोड्यूस हो सकती है और इंडिया के बाहर भी प्रोड्यूस हो सकती है, जिसको हमने इंपोर्ट करके इंडिया में लाया फिर कंज्यूम किया, ठीक है। इस 100 रुपए के मैं दो टुकड़े कर रहा हूँ, 100 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज जो इंडिया में प्रोड्यूस हुई है वो ये कंज्यूम करता है, और मैं मान लेता हूँ कि 40 रुपए का जो इम्पोर्ट हुआ है वो इम्पोर्ट करके लाया फिर उसका कंजम्पशन किया उसने हाउस होल्ड ने। तो हाउस होल्ड ने टोटल कंजम्पशन किया 100 रुपए का, जिसमें कुछ इंडिया में जो प्रोड्यूस हुआ है उसका कंजम्पशन किया, कुछ बाहर जो प्रोड्यूस हुआ है उसको इंपोर्ट करके लाए फिर उसका कंजम्पशन किया है 40 रुपए का। लेकिन अगर हमको एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है कि जीडीपी कितनी है तो केवल हमको 60 वाला काउंट करना है, 40 वाला काउंट नहीं करना है, क्योंकि इंडिया में जो प्रोड्यूस हुआ है उस पर कितना खर्चा किया गया है वो केवल हमको काउंट करना है। आई होप यू आर गेटिंग दैट, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इस चीज को समझिए, तो मैं मान लेता हूं सी, सी क्या है, टोटल कंजम्पशन बाय हाउसहोल्ड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब यह है कि इंडिया के अंदर जो प्रोड्यूस हुई हैं वो भी और बाहर से जो इंपोर्ट करके लाए हैं वो भी, यानी जो ये सी है वो सी नॉट प्लस एम नॉट। ये सी नॉट क्या है कि जो हमने 60 रुपए बताया था आपको कि इंडिया के भीतर कितना कंज्यूम किया है उसने सी नॉट, कि इंडिया में जो प्रोड्यूस हुई है उसको कितना कंज्यूम किया है, और बाहर से इंपोर्ट करके लाया एम नॉट जो उसने कंज्यूम किया है, ठीक है। अगर मैं आई देखूं, आई इज टोटल इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स, तो इन्वेस्टमेंट कितना किया है फर्म्स ने इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज पे और जो इंपोर्ट करके लाए हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज पे पूरा टोटल, वो है आई। तो आई को मैंने तोड़ लिया कि इंडिया वाले पे कितना है और बाहर से हमने इंपोर्ट करके कितना लाए वो है एम वन। और ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर यानी जो इंडिया में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं विद इन द बाउंड्री उस पर गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया, बाहर से इंपोर्ट करके लाया उस पर कितना खर्चा किया है, वो है जी नॉट प्लस एम टू। और हमको निकालना क्या है एक्सपेंडिचर मेथड से कि इंडिया वाली जो इंडिया में प्रोड्यूस हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज उस पर कितना खर्चा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम निकालें कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस विद इन आवर बाउंड्री वो कितना है, तो वो कितना होगा,
सी नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट प्लस एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्यों? क्योंकि इंडिया में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं वो हैं तो इंडिया में प्रोड्यूस ना, भले ही वो फॉरनर कंज्यूम कर रहा है, जो हम एक्सपोर्ट करके उनको दे रहे हैं वो कंज्यूम कर रहा है, लेकिन कंज्यूम कर क्या रहा है? जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर जो हमने प्रोड्यूस किया है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ नेशन, उस पर कितना खर्चा हो रहा है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो चाहे वो इंडियन कर रहा हो, चाहे वो बाहर एक्सपोर्ट करने के बाद फॉरनर कर रहा हो, कैलकुलेट हमको करना है कि इंडिया के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उस पर कितना खर्चा हो रहा है। तो एक्सपोर्ट्स प्लस, देखिए सी नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, सी माइनस एम नॉट, वहां से हम निकाल लीजिए सी नॉट, वहां से आई नॉट निकाल लीजिए, जी नॉट निकाल लीजिए। ऐसे करेंगे तो आपको ये निकल के आएगा, और आप जब C प्लस आई प्लस जी प्लस ई कर देंगे माइनस एम नॉट प्लस एम वन प्लस एम टू, तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, इसको हम मान लेते हैं टोटल इंपोर्ट्स बाय इंडिया, तो यहां पर टोटल इंपोर्ट्स इन तीनों को जोड़ के हमने मान लिया M, तो आप क्या आ जाएगा C प्लस आई प्लस जी प्लस ई माइनस एम। माइनस एम क्यों? क्योंकि इंपोर्ट किया और माइनस का साइन है, याद है? तो ई माइनस एम को हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। तो अब फॉर्मूला क्या निकल गया, सी यानी कंजम्पशन बाय हाउसहोल्ड्स ऑन ईच एंड एवरी गुड प्लस आई प्लस जी प्लस ई माइनस एम इंपोर्ट। क्यों भाई माइनस? क्योंकि अगर ये माइनस हटा दिया तो इंडिया पे नहीं होगा, वो हर जगह पर जो भी कंज्यूमर ने, जो भी हाउसहोल्ड ने खर्चा किया वो भी काउंट हो जाएगा, तो एरर हो जाएगी, इसलिए हमको इंपोर्ट को माइनस करना है। और एक्सपोर्ट क्यों जोड़ना है? क्योंकि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जो हमने प्रोड्यूस किया है उस पर कितना एक्सपेंडिचर है ये काउंट करना है। आप समझ रहे इस चीज को? तो बहुत ही कॉम्प्लिकेट करके दिया गया था, मैंने इसको सिंप्लीफाइड करके आपके पास लाया है। तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस ई माइनस एम, ठीक है? तो ये जो मैंने लिखा था, ये कंजम्पशन क्या है? ऑल कंजम्पशन, जो हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहा है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज पे, इसलिए हमने सी लिया है। नहीं तो हमको अगर एम नहीं लेना है, इंपोर्ट्स को नहीं लेना है, तो आप केवल सी नॉट लीजिए। सी नॉट मतलब कि इंडिया में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उस पर कितना खर्चा किया है। लेकिन अगर ऐसे खर्चा कैलकुलेट करेंगे तो कर नहीं पाएंगे कि इंडिया पे कितना किया, इंपोर्ट कितने का किया, वो हो नहीं पाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हाउसहोल्ड ने कितना टोटल कंजम्पशन किया वो निकाल लेते हैं और सारे इंपोर्ट्स को माइनस कर देते हैं। समझ रहे हैं? बात वही पढ़नी है। यह एक्सपेंडिचर मेथड से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज़ बहुत है। जैसे आपको बोला जाएगा कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो जीडीपी पे क्या असर होगा? अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा फर्म्स के द्वारा तो जीडीपी भी बढ़ेगी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो भी जीडीपी बढ़ेगी। गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग कम कर देगी तो जीडीपी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका कोरिलेशन बहुत है। हम बेस पढ़ रहे हैं, बेस अगर हम पढ़ लेंगे, पूरा जान लेंगे, तब हम कोरिलेट कर पाएंगे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, एफडीआई आ रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो सारा इम्पैक्ट हमको यही तो पता करना होता कि इसके इम्पैक्ट जीडीपी पे क्या पड़ेगा, जीडीपी से बढ़ेगी या घटेगी, तो यही तो पता करना होता है, इसलिए हम बेस बना रहे हैं। और एक्सपेंडिचर मेथड बहुत बढ़िया मेथड है ये बताने के लिए। तीसरा मेथड है इनकम मेथड। तो जो मैंने एक्सपेंडिचर किया है वो एक्सपेंडिचर मैं कर कैसे रहा हूं? क्योंकि मेरे पास कुछ पेमेंट का सोर्स है, मेरे पास कुछ इनकम का सोर्स है। ये इनकम है क्या मेरे पास? तो मैं क्या करूं, सबकी, पूरी इंडिया में जितने भी लोग हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ नेशन, जितने भी लोग हैं उन सबकी अगर मैं इनकम कैलकुलेट कर लूं तो ये मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि इसी इनकम के बल पर ही तो हम गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पर खर्चा कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, समझाया आपको? तो मैं इनकम मेथड से निकालूं तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो थे इन्हीं को तो फैक्टर पेमेंट मिल रही थी भाई, याद है आपको? जितना ये अपनी सर्विस दे रहे थे फैक्टर सर्विस, उसके बदले इनको फैक्टर पेमेंट मिल रही थी। तो अगर सबका मैं ऐड कर लूँ तो इसको अगर मैं डब्ल्यू आई मान लूँ, इसको रेंट को आर आई मान लूँ, इंटरेस्ट को आई आई मान लूँ और प्रॉफिट को पी आई मान लूँ, और इन सब को जोड़ दूँ मैं, तो क्या निकल आएगा? इनकम मैथड से जी डी पी। तो हो क्या सकती है इनकम मैथड से जी डी पी? समेशन ऑफ डब्ल्यू आई प्लस समेशन ऑफ आर आई प्लस समेशन ऑफ पी आई प्लस समेशन ऑफ आई आई और आई इज इक्वल टू वन से आई इज इक्वल टू एन तक, ये जीडीपी इनकम मेथड से निकल कर आ जाएगी। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तीनों मेथड से जीडीपी क्लियर है आपको? यस और नो? इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप कि एक्सपेंडिचर मेथड से मैंने जीडीपी निकाला, वो क्या है? सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम, और आप इनकम मेथड से निकालिए डब्ल्यू प्लस आर प्लस आई एन जो कि इंटरेस्ट है और पी,
और या प्रोडक्शन मेथड से निकालिए, जो हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाला आपको, ये तीनों अगर निकालेंगे तो तीनों मेथड से तीनों लोग बराबर आएंगे, वो होंगे जीडीपी के बराबर। अभी नेशनल इनकम क्या है, इतना समझ गए आप तो नेशनल इनकम समझे। अच्छा, अगर जीडीपी से हमको एनडीपी निकालना हो तो क्या करते हैं? एनडीपी का मतलब क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं भाई? जीडीपी में आप क्या कीजिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो क्या निकल के आएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? लॉस इन वैल्यू ड्यू टू वियर एंड टियर। तो अगर कार की, अगर आपने कार खरीदी, उसकी वो 10 साल तक ही चला पाएंगे आप, 10 साल बाद उसकी कैपेसिटी नहीं रहेगी चलने की, यानी 10 साल तक आपने पूरी कार को कंज्यूम कर लेंगे, तो अगर हर एक साल देखूं मैंने आपने कितनी कार को कंज्यूम किया, तो 1/10 आपने हर साल उस कार को कंज्यूम कर लिया है ना। तो अगर आपकी कार केवल 10 साल तक ही चलेगी, तो अगर आपको मैंने देखूं कि एक साल में आपने कितना कार को कंज्यूम किया, तो 1/10 आपने कार कंज्यूम कर ली, वो 1/10 आप क्या है, कार की वैल्यू में लॉस हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो अगर हम हर साल डेप्रिसिएशन हटा दें, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अगर मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूं, तो नेट हमने कितना प्रोड्यूस किया वो पता चल जाएगा, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अगर मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया था जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अगर मैं उसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। वेरी सिंपल, दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी सिंपल, एक बार आप बस जान लें तो बहुत सिंपल है ये। तो जीडीपी में आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ गया, वेरी सिंपल। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जीडीपी हम दो चीज़ों पर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो वो प्राइस लेते हैं वो दो प्राइस हो सकते हैं, या तो हम मार्केट प्राइस ले सकते हैं, या तो हम फैक्टर कॉस्ट ले सकते हैं। क्या अंतर था मैंने आपको ये समझाया था पिछली क्लास, आप रिकॉल कीजिए प्लीज। अगर मैं फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दूं और सब्सिडी को माइनस कर दूं तो क्या निकल के आएगा? मार्केट प्राइस। और जीडीपी हमेशा हम क्या निकालते थे, किस पे निकालते थे? मार्केट प्राइस पे। पहले हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालते थे, पर अब जब से जीडीपी हम किस पे निकालते हैं, 2014-15 से जीडीपी हम मार्केट प्राइस पे निकालते हैं। तो अगर मैं जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकाल रहा हूं, अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी है, तो कैसे लिख सकते हैं हम? मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। जैसे इनको उल्टा कर दीजिए, वहां पर ले जाइए ऐसे, तो अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना तो मैं क्या कर सकता हूं? मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर सकता हूं, सब्सिडी ऐड कर सकता हूं। तो अगर मैंने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मैंने अगर फैक्टर कॉस्ट पे निकाला है और उसमें मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो क्या निकल के आएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दिस इज नथिंग बट नेशनल इनकम। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। व्हाट इज नेशनल इनकम? इट जस्ट अ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट पे निकालिए, तो फैक्टर, अगर आपको पता है नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे अगर पता है आपको, तो आप उसमें क्या कीजिए? इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दीजिए, सब्सिडीज को ऐड कर दीजिए, तो ये क्या निकल के आएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए इसको सही लिखा है या नहीं, आप बताइए भाई। ठीक है, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है क्या? नेशनल इनकम। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो जीडीपी प्लस नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या था? जीएनपी। जीएनपी जीएनपी में आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। और ये मार्केट प्राइस पे है, अगर मार्केट प्राइस में आप इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कीजिए और सब्सिडीज को ऐड कर दीजिए तो क्या निकल के आ जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और इसी को हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन क्लियर है आपको? सारे तीनों मेथड, कंजम्पशन मेथड, प्रोडक्शन मेथड जिसे हम कहते हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड।
आइए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट व्हाइल डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। भाई क्या मतलब होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का, पहले ये समझते हैं। देखिए जो अंतर इक्वालिटी, ये इक्वालिटी है और ये इक्विटी है, तो ये क्या है, इक्वालिटी है और ये है इक्विटी। इक्वालिटी और इक्विटी में जो अंतर है वही क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में अंतर है। जैसे कि क्या भाई, इसको देखिए, इन तीनों को एक एक बॉक्स दिए गए हैं, एक एक बॉक्स दिए गए हैं मैच देखने के लिए। तीनों को एक एक बॉक्स दिए गए हैं, क्वांटिटी में एक एक बॉक्स दिए गए हैं, यानी तीनों के लिए इक्वालिटी दी गई है। तीनों को इक्वालिटी के रूप में तीनों को एक एक बॉक्स दिए गए हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये छोटा नन्ना मुन्ना राही क्या ये मैच देख पा रहा है? भाई इक्वालिटी तो है, मैं मानता हूँ इक्वालिटी है, सबको एक एक बॉक्स दिया गया, इक्वालिटी है, पर क्या ये बच्चा मैच देख पा रहा है? लेकिन अगर दूसरी तरफ इक्विटी को देखें, इस बच्चे ने अपना बॉक्स इसको दे दिया। अब इसके पास दो बॉक्स हैं, इसके पास एक बॉक्स है, इसके पास जीरो बॉक्स हैं, लेकिन मैच ये तीनों लोग देख पा रहे हैं, इसे हम इक्विटी कहते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी? इक्वालिटी कहता है कि समान रूप से मैं दूंगा, ठीक है। तो एक एक करके क्वांटिटेटिव, इक्वालिटी इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। क्वांटिटेटिव क्यों? क्योंकि क्वांटिटी में एक एक मैं तीनों को दूंगा, लेकिन मोटिव पूरा नहीं हो रहा। मोटिव क्या है कि एक मैच देख पाए। लेकिन इक्विटी यही बात करता है क्वालिटेटिव अप्रोच की, क्वालिटी, क्वालिटी मतलब कि क्या तीनों लोग मैच देख पा रहे हैं या नहीं। तो क्वालिटेटिव में अगर देखेंगे तो इक्विटी इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट, जहां पर इसका बॉक्स इसको ट्रांसफर किया गया ताकि तीनों लोग मैच देख सके। मैच देख सकना इज अ क्वालिटेटिव, लेकिन सबको एक एक बॉक्स दे देना इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। तो अगर ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट देखें तो ग्रोथ कैसा कॉन्सेप्ट है? क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज ग्रोथ? इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज हुआ। जीडीपी पहले 100 थी, अब 150 रुपए की, यानी 150 रुपए का टोटल प्रोडक्शन हुआ है। क्वांटिटेटिव तो जीडीपी में ग्रोथ हुई है भाई, बिल्कुल ग्रोथ हुई है। लेकिन क्या ये ग्रोथ जो हुई है क्या ये डेवलपमेंट भी है या नहीं? तो ये क्या ये जो 50 रुपए का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है क्या उससे डेवलपमेंट भी हो रहा है या नहीं? तो ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट। वो आपको सिर्फ बताएगा नंबर कि यस ये जीडीपी जो है 100 से उठाकर 150 हो गई है, पर ये नहीं बताएगा कि कितना डेवलपमेंट हुआ है। क्या सभी को सही तरीके से एजुकेशन मिल रही है? क्या सभी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है? क्या सभी को हेल्थ एसेसिबल हो रही है? क्या हेल्थ की सर्विसेज अफोर्डेबल भी है या नहीं? क्या सभी का स्किल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं? ये कौन बताएगा? ये डेवलपमेंट बताएगा, ये ग्रोथ नहीं बता सकता। ग्रोथ क्या बताएगा कि जीडीपी 100 से 150 हो गई है, लेकिन डेवलपमेंट क्या बताएगा कि हाँ भाई सबको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा है, सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सही है, सबको एजुकेशन एसेसिबल है, ड्रॉप आउट्स कम हो रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज सबको मिल रही हैं, सबका स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, मनरेगा में सबकी अच्छी इनकम आ रही है। तो जीडीपी जो 50 रुपए की एक्स्ट्रा बढ़ी वो जीडीपी सही रूप से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तब डेवलपमेंट हो रहा है। तो ग्रोथ हमको बताएगा क्वांटिटेटिव कि क्वांटिटी कितनी बढ़ी, पर डेवलपमेंट बताएगा कि क्वालिटेटिव में कितना इंप्रूवमेंट है। समझे या नहीं आप इस बात को? हाँ, ग्रोथ इज अकंपनीड बाई इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन। तो ग्रोथ होती है तो अर्बनाइजेशन बढ़ता है, कमर्शलाइजेशन बढ़ता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है, और उसकी वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होगा, इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हायर होगा, प्रमोट करेगा उसको। लेकिन क्या ये सब होगा? ये ज़रूरी है, ये ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, पर ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं है। व्हाट इज ट्रिकल डाउन इफेक्ट? अरे ये तो बहुत सिंपल है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि आपने एक कप को भरा और उसकी वजह से ये जब ये भर गया तो उसकी वजह से ओवरफ्लो हुआ और उसकी वजह से नीचे के दो कप भर गए, उसके बाद ये नीचे ये तीनों कप भर गए। इसे बोलते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ठीक है। लेकिन ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। इंडिया के केस में क्या होता है कि ये कप भरेगा, फिर ये थोड़ा और मोटा होगा, और ये और भरेगा, फिर ये और मोटा होगा, और ये और भरेगा, नीचे कुछ इक्का दुक्का चला जाए लेकिन नीचे जा ही नहीं पाता। यानी 50 रुपए का जब जीडीपी इंक्रीज हुआ तो जो ऊपर के 10% थे उसने 90% जीडीपी जो इंक्रीज हुई है उसको कंज्यूम कर लिया, तो बाकी जो 90% पॉपुलेशन बची उसको केवल 10% ऑफ जीडीपी मिला। ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हो रहा, इसीलिए तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है।
तो ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, आपसे पूछा जाए कि जीडीपी तो भाई 7.7% से इंक्रीज हो रही है, 10% से इंक्रीज हो रही है, 11% से इंक्रीज हो रही है, तो सवाल पूछिए कि जो जीडीपी में ग्रोथ आप दिखा रहे हैं क्या उस ग्रोथ के बाद क्या डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पूछिए आप। उस बढ़ी हुई जीडीपी का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। तो टर्म क्या है डेवलपमेंट का, अगर यूज करें आप सही से, अगर ग्रोथ को सही से यूज करें तो इंक्लूसिव ग्रोथ करें। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब इसके चार फीचर्स हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ मींस ग्रोथ ऑफ जीडीपी सच दैट इट कवर्स ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सभी सेक्शन को कवर करे, जनरल, एसटी, एससी, एसटी और ओबीसी, ट्राइबल, सबको कवर करे, बच्चों को कवर करे, सबको कवर करे, ऐसा। तो ग्रोथ ऐसी हो कि सबको कवर करे, इसका जो लाभ है वो सबको मिले, इसके चार फीचर्स हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो आया है वो सब पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट हो, 50 रुपए की जो जीडीपी बढ़ी है अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, ऐसा ना हो कि वो 50 रुपए की बढ़ी हुई जीडीपी में 40 रुपए केवल 10% लोगों के पास जा रहा है, वो 10 रुपए बाकी 90% ऑफ द पॉपुलेशन के पास जा रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, पॉवर्टी का एलिवेशन हो भाई, उन्मूलन हो, गरीबी हटाई जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि आप एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करें, रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ करें, उनका इतना भी एक्सप्लॉयटेशन ना करें कि उनको दोबारा यूज़ ना किया जाए। तो सस्टेनेबल रूप में डेवलपमेंट हो, कैपेबिलिटी एनहांसमेंट, इंडिविजुअल को की कैपेबिलिटी को एनहांस किया जाए, स्किल डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, समझ रहे हैं। तो इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। तो जो सबका साथ सबका विकास होगा तब जाकर डेवलपमेंट होगा, वरना जीडीपी में ग्रोथ रेट तो रहेगी, बिल्कुल रहेगी, लेकिन डेवलपमेंट कब होगा, जब ये सारी चीज़ें कवर होंगी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पॉवर्टी एलिवेशन होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट होगा, तब सही मायने में वो जो ग्रोथ है, क्वांटिटेटिव ग्रोथ है, उसको हम क्वालिटेटिव में चेंज करके डेवलपमेंट की ओर बढ़ पाएंगे। तो अगर मैं पूछूं जीडीपी एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट कितनी हद तक वैलिड है, तो अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो आपको पता है कि कॉन्सेप्ट जीडीपी अगर एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट देखा जाए तो सही मायने में सही तरीके से नहीं है। पूछे क्यों, क्योंकि ये जीडीपी नहीं बताता है कि जो उसमें ग्रोथ हुई है वो सही तरीके से डेवलपमेंट में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ है कि ये नहीं है, ये नहीं बताता है वो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, क्या डिस्ट्रीब्यूशन सही रूप से हो रही है, तो ये बताना है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन सही रूप से हो रहा है तब जीडीपी एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट अच्छा है, लेकिन ये नहीं बताता है क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताता। अब जीडीपी ये तो बताएगा ना कि कितना प्रोडक्शन हुआ, पर ये तो नहीं बताएगा ना कि कितना वो प्रोडक्शन कैसे कैसे बांटा गया है, वो ये चीज़ नहीं बताएगा। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, कि मैंने आपको आलू दे दिया, आपने मुझे प्याज दे दिया, बार्टर सिस्टम, इसको तो वो इंक्लूड ही नहीं करता। तीसरी चीज़ एक्सटर्नलिटी, इसका मतलब क्या होता है भाई, जैसे कि मान लीजिए कि क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है, क्रूड ऑयल हम लाए और उससे हमको पेट्रोल, डीजल ये सब बनाना है, जब हम ये सब बना रहे हैं तो उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, जो भी माल है हम उसको वाटर में भेज रहे हैं और वाटर का पोल्यूशन हो रहा है, वाटर का पोल्यूशन की वजह से जो वहां पर मछलियां हैं वो मर जा रही हैं और उसकी वजह से जो हमारा फिशरी सेक्टर है वो इम्पैक्ट हो रहा है। किसी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी से किसी दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी पर गलत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नैलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। ये तो बताता ही नहीं है जीडीपी, जीडीपी ये तो बता ही नहीं रहा ना, जीडीपी सिर्फ इतना बता रहा है कि इसका, जीडीपी ये बता रहा है कि ग्रोथ कितनी हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज में, किसका इम्पैक्ट कितना नेगेटिव किस पे पड़ रहा है वो ये बता ही नहीं रहा है। तो जीडीपी इज नॉट अ मेजर ऑफ ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर वेल बींग ऑफ अ कंट्री, इट इज नॉट टेलिंग व्हाट ऑल इज हैपनिंग विद द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। 90% ऑफ द इनकम ऑफ इंडिया इज इन हैंड ऑफ द 10% ऑफ द पॉपुलेशन, दैट मीन्स 90% आर वर्स ऑफ एंड फ्रूट्स ऑफ ग्रोथ आर नॉट रीचिंग टू देम। तो भैया जो फ्रूट्स हैं ग्रोथ का, 90% जो है वो केवल 10% पॉपुलेशन के पास आ रहा है, 90% के पास तो सिर्फ 10% ही आ रहा है, समझ रहे हैं इस बात को। GDP is not providing any information about environmental degradation, कि environment में कितना degradation हो रहा है, resource का कितना depletion हो रहा है, overall, moreover it is also not telling about sustainability, कितना sustainable growth है ये। Growth is leading to haphazard growth in industries which is leading to many problems like pollution. तो GDP as a concept of development ठीक नहीं है,
ठीक है, तो ग्रोथ एंड वर्सेस डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। तो बेसिकली इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि बेस क्या है। तो बेस हमने पूरा कंप्लीट किया, जीडीपी से जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं हमने वो सारे कवर किए, और ये बेस बनाने के बाद ही इसके ऊपर बिल्डिंग बनाई जा सकती है। तो वी शेप्ड जीडीपी रिकवरी भी पढ़ा हमने। अब ये बेस बनाने के बाद जब आप समझ जाएंगे एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, प्रोडक्शन मेथड क्या है, जीडीपी एज अ कॉन्सेप्ट है क्या, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, तब आपको सही मायने में जो आगे लेक्चर्स आ रहे हैं उनका रेलिवेंस होगा। तो आगे भी हम करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड करेंगे, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी सारी बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।